गाइस, इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आप लोग अपने YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं ऑनलाइन बहुत ही आसान तरीके के साथ। मैं खुद ही कैनवा को यूज़ करके अपने लिए थंबनेल बनाता रहता हूँ। तो आप यहाँ पर लिख के यूट्यूब थंबनेल और यहाँ पर आप इसको क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए, जिसमें कुछ फ्री है और जिसमें कुछ है आपको पे करना पड़ता है। अगर आप इसमें कोई भी पसंद करते हैं और अपने लिए उसमें एडिटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने अपने खुद का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास उसकी जो सेटिंग है वो आ चुकी है। यहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं टेम्पलेट्स, अगर यहाँ से आप कोई भी उठा लेना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। मैं ख़ुद का कस्टम बनाना चाहता हूँ तो क्लिक करें यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर्स हैं, तो इसमें से आप कोई भी बैकग्राउंड कलर जो है अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर उठा के लाना चाहता हूँ। दोस्तों जिस तरह आप देख सकते हैं कि मेरा कलर जो है बैकग्राउंड आ चुका है। अब मैं कुछ एलिमेंट्स इसमें लेके आना चाहता हूँ। आप लेफ़्ट पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, स्टाइल्स वगैरह हैं, तो एलिमेंट्स पर क्लिक करें। और एलिमेंट्स पर आप यहाँ पर कुछ भी आप अगर सर्च करें तो आप देख सकते हैं आप क्या आप यहाँ पर ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर के बारे में लिख के तो आप लोगों को कंप्यूटर की इमेजेस यहाँ पर आएगी नज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें कोई भी उठाना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ इसको जो है उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कुछ एनिमेटेड है और जो कुछ है वो एनिमेटेड भी नहीं है, मतलब वो बग़ैर एनिमेशन के हैं। जिस तरह मैं ये वाईफाई का निशान लाके यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आप कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैंने करना ये है कि अपलोड पर जाके यहाँ से अपलोड मीडिया और यहाँ से डिवाइस पर, मेरे पास सिस्टम में एक लोगो है कैनवा का, वो यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ और मैं इसको यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कैनवा लोगो जो है कैनवा ये आ चुकी है। अब मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट के लिए बहुत सारी जगह है, तो मैं टेक्स्ट पर आता हूँ। तो टेक्स्ट पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स है टेक्स्ट के, जिसमें कुछ फ्री है और कुछ के लिए आपको पे करना पड़ता है, और बहुत सारे फ्री है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने देखना है एक खूबसूरत सा फॉन्ट और इसको ऐड करना है अपने थंबनेल में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप इसको भी इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। आप अगर इसको क्लिक करें तो इसको भी आप इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, इसको एडजस्ट, फिल्टर्स वगैरह सब कुछ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने डायरेक्ट सीधा टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट में यहाँ पर इस वाले को मैंने चूज़ किया, फ्री डिलीवरी जो डिज़ाइन है ये मुझे अच्छा लगा, तो इसको आपने एक दफ़ा क्लिक करना है और ये खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। सो नेट अगर आप लोगों के पास तेज़ है तो तेज़ी से आएगा, वरना ये टाइम लगेगा आपसे। या आप दोबारा क्लिक करें अगर जल्दी से नहीं आया, तो फिर आप उसको डिलीट कर देंगे बाद में, कोई मसला नहीं है। सो दोस्तों इस तरह आप अगर इसमें कुछ स्टाइल्स वगैरह लाना चाहते हैं या फिर बैकग्राउंड्स कुछ भी आप इसमें लेके आ सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि हमें फ्री में दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फ्री डिलीवरी में, ये मेरे पास, अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, तो शायद मेरा नेट जो है वो थोड़ा स्लो है। मेरे पास मोबाइल से जो है नेट कनेक्ट हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो टेक्स्ट आ चुका है। अब इसको आप जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दो तीन दफ़ा से इसको यस मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे दफ़ा इसको किया था। सो कंट्रोल जेड के पास के साथ इसको वापस लेके आता हूँ। सो अब मैं अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट, इसको मैं थोड़ा सा इसकी साइज़ जो है इस ऊपर वाले की साइज़ में रखना चाहता हूँ 150, इसको मज़ीद कम करना चाहता हूँ 100 पे। तो आप देख सकते हैं कि आप अपने लिए खूबसूरत थंबनेल्स बना सकते हैं। क्रिएट थंबनेल्स
यूजिंग, अब इसको भी हटाइए और लिख के कैनवा। तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से मेरा हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इतना अट्रैक्टिव और ज़बरदस्त फॉन्ट जो हमारे पास अब आ चुका है। इसकी कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इसकी। आपको बैगर कोई ब्लैक कलर पर जाए या कोई भी कलर आपको चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी आप आसानी के साथ कलर इसका चेंज कर सकते हैं और इसका आप कैनवा के साथ मैचिंग कलर पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप इसको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करें और यहाँ पर आप इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स चेक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपको कोई भी फॉर्मेट चाहिए, लेकिन मैं आपको JPG रिकमेंड करूँगा, इसको यहाँ पर डाउनलोड करें और आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग आपकी हो रही है। तो फिर आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। सो गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपने राय दें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।